वहीं नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वेतन काटे जाने के निर्देश से नाराज कर्मचारियों ने अपना आक्रोश जताते हुए रणनीति बनाई। नगर पालिक निगम दुर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शनिवार को निगम मुख्य कार्यालय में एकत्र होकर अपनी मांगे और 5 दिवस के वेतन काटे जाने के हुए निर्देश से आक्रोशित कर्मचारियों ने चर्चा कर रणनीति बनाई और कहा कि राज्य सरकार के अड़ियल रवैया के चलते अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में अधिकारी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर रहे। साथ ही निगम द्वारा सभी सामूहिक अवकाश की सूचना दिए जाने के बाद भी अब राज्य सरकार 5 दिनों का वेतन काट हमारे आंदोलन को और उग्र बना रही है। इसी कड़ी में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिव शर्मा, महामंत्री अनिल सिंह व दुर्गेश गुप्ता सहित कर्मचारी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक स्वर में बताया कि राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। आगामी दिनों में प्रदेश में सभी 168 निकायों के अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा एक राय एक मत होकर जल्द ही फिर कलमबंद काम बंद का आगाज पूरी तरह से करेगी। इस संबंध में न्यूज टीम को पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको विदित होगा कि हम लोग जो भी आंदोलन कर रहे थे यहाँ पे, और वो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कर रहे थे, और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शासी कर्मचारी महासंघ ने समर्थन दिया था, जिसके तहत 168 नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के कर्मचारी जो हैं वो आंदोलन में शामिल हुए और 5 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हम लोगों ने कलमबंद काम बंद का आंदोलन किया, और जिसके तहत कल वो आंदोलन समाप्त हो गया है तिथि चरण का, और कल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक होने वाली है जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और उनकी जो आगे की रणनीति होगी और उसमें हमारी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शासी कर्मचारी महासंघ उसमें एक अपनी बैठक भी करके और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि हम उनको समर्थन करेंगे, और उसके बाद में जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो भी अगला कदम होगा उसमें हम सब शामिल होंगे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर। जैसे कि देखने में आए 5 दिनों में आप आम नागरिकों की सुविधाएं बंद करके रखे थे, वहीं आप अधिकारियों के काम में शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ऐसा है कि मैं कहना चाहूंगा कि जो भी काम होते हैं अति आवश्यक सेवा के तहत, उसके तहत कुछ काम होते हैं अति आवश्यक सेवा को हमने प्रभावित नहीं किया था, आपको विदित होगा। जहाँ तक मेरी सोच है कि 5 दिन का वेतन काटने का अधिकार शायद किसी को नहीं है, अगर बिना सूचना के अगर हड़ताल में जाते तो ये 5 दिन का अवकाश काट सकते थे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बकायदा 1.5-2 महीने पहले से इस आंदोलन की सूचना सरकार को दे चुकी है, और 3 चरण में आंदोलन किए हैं। 3रा चरण का आंदोलन कल समाप्त हुआ है, 4था चरण का इनका आंदोलन अगस्त माह में सारी सेवाएँ बंद करने का है। सहयोग देंगे, अगर उनकी मांग हमको जायज लगती है तो बिल्कुल सहयोग देंगे, क्योंकि आवश्यक सेवा से प्रभावित केवल नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत ही ज्यादा होगी। इसमें कुल मिला के 168 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं जहां हमारे महासंघ का बैनर पहले से। राज्य शासन के वेतन काटे जाने के निर्देश को लेकर अब इस आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। देखना होगा कि आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी इस फैसले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।